सब्सक्राइब करें traveltham.com के youtube चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट ट्रैवल वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू traveltham.com बाय राइजिंग स्टार टूर्स एंड ट्रैवल आज के वीडियो में हम स्पेन का टूरिस्ट वीजा फॉर्म भरेंगे सबसे पहले हम इस वेबसाइट पे जाएंगे वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है यहां वीजा टाइप पे क्लिक करके विल सेलेक्ट

पहले दूसरा था जैसे कि मैरिज के पहले आपका सरनेम कुछ और था और अब चेंज हो गया है तो मैरिज से पहले वाला सरनेम आप इस कॉलम में डालेंगे अगर सेम है तो फिर आप उसी सरनेम को दोबारा लिखेंगे सेकंड सरनेम रिपीट करना होगा सरनेम लिखने के बाद हम फर्स्ट नेम लिखेंगे हमारा डेट ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया नेशनलिटी इंडियन इफ यू इफ यू हैव एनी अदर नेशनलिटी देन यू आपको इस कॉलम में मेंशन करनी है देन आपको आपका जेंडर मेंशन करना है दैट इज फीमेल अगर आप सिंगल है मेट्रुअल स्टेटस में तो सिंगल नहीं तो मैरिड उसके अकॉर्डिंग डिवोर्स्ड विडोड आपको वैसे सिलेक्ट करना है Now they are आस्किंग अगर ये कोई छोटा बच्चा ट्रेवल कर रहा है तो आपको उस एप्लीकेट का एड्रेस और सारे डिटेल्स डालने हैं नेशनल आइडेंटिटी नंबर अगर आप डालना चाहते हैं तो आप अपना वोटर आई कार्ड या आधार कार्ड डाल सकते हैं नहीं तो इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ सकते हैं अब नाउ दे आर आस्किंग टाइप ऑफ ट्रेवल डॉक्यूमेंट हम ordinary पासपोर्ट सिलेक्ट करेंगे और अपना पासपोर्ट नंबर डालेंगे डेट ऑफ इश्यू डालेंगे पासपोर्ट का डेट ऑफ एक्सपायरी पासपोर्ट इशूड प्लेस कॉलम नंबर सेवनटीन एंड एटीन इसमें आपको जो डिटेल्स हैं हमें ये इसलिए ब्लैंक छोड़ना है बिकॉज ये यूरोपियन सिटीजन अगर आप हैं तो आपको अपने डिटेल्स इसमें भरने और एल्स नहीं तो हमें ये ब्लैंक छोड़ना दोनों ही कॉलम इन सिटीजन्स के लिए है तो हमें नहीं भरने हम सीधा कॉलम नंबर नाइनटीन पे आएंगे जिसमें हमें अपना रेजिडेंशियल एड्रेस लिखना है और अपना ई एड्रेस लिखना है नेक्स्ट कॉलम में ये हमारा फोन नंबर मांग रहा है तो हमें वो मेंशन करना है ना दर इज आस्किंग आपका रेजिडेंस किसी और कंट्री में है आपकी नेशनलिटी के अलावा अगर यस है तो आपको उसके डिटेल देने अदरवाइज आप नो पे सिलेक्ट करेंगे आपका करंट ऑक्यूपेशन आपको अपनी पोजीशन और कंपनी का नाम डालना है और कॉलम नंबर ट्वेंटी टू उसके नीचे आपको उसका एड्रेस डालना है और फोन नंबर डालना है अगर आप हाउस वाइफ है तो आप होम मेकर लिख के अपना रेजिडेंशियल एड्रेस रिपीट कर सकते हैं मेन पर्पस ऑफ ट्रेवल हमारा टूरिज्म है हम उसको सिलेक्ट करेंगे अगर नेक्स्ट कॉलम में एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं अगर आप देना चाहते हैं तो आप राइट डाउन कर सकते हैं और एल्स आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं मेन डेस्टिनेशन आपका एंटर करने का जगह आपको लिखनी है तो वी विल राइट डाउन प्लेस फर्स पोर्ट ऑफ एंट्री इन दैट कंट्री हम उसका नाम लिखेंगे वी नीड मल्टीपल एंट्री वीजा हम उस पे सिलेक्ट करेंगे नाउ आपकी इंटेंट ट्रेवल डेट मतलब आपकी date, हम वो डालेंगे नाउ डिपार्चर डेट फ्रॉम स्पेन वो डालेंगे फिंगरप्रिंट्स कलेक्टेड प्रीवियसली फॉर द पर्पज ऑफ अप्लाइंग फॉर शनिगन वीजा अगर येस yes है तो आपको डिटेल्स देनेक्ट करेंगे कॉलम नंबर ट्वेंटी नाइन इसमें आप देख सकते हैं लिखा है एंट्री बॉमिट फॉर द फाइनल कंट्री डेस्टिनेशन वेर इट्स ये कॉलम आपको तब भरना है अगर आप इस कंट्री में कुछ देर रुक के आप फाइनली किसी और कंट्री में लैंड करने वाले हैं मतलब आपका फाइनल डेस्टिनेशन कोई और कंट्री है तो आप इस कॉलम में उस कंट्री की डिटेल्स भरेंगे अदरवाइज अगर आप सिर्फ इसी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं जिसका हमने फॉर्म खोला ये कॉलम हमें ब्लैंक छोड़ना है कॉलम नंबर थर्टी अगर आप किसी होटल में स्टे कर रहे हैं या आपको किसी पर्सन ने इनवाइट किया है तो यहाँ आपको उसके डिटेल देने हैं। उस होटल का एड्रेस और उस होटल का नंबर देना है अगर आपको किसी कंपनी ने इन्वाइट किया है तो यहाँ पे कॉलम नंबर थर्टी में उस कंपनी का नाम और उसके नीचे उसका एड्रेस देना है और एल्स आप ये कॉलम ब्लैंक छोड़ेंगे नाउ दे आर आस्किंग कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग एंड लिविंग ड्यूरिंग द एप्लीकेंट स्टे इज कवर्ड बाय इफ यू आर कवरिंग अगर आप अपना खर्चा खुद उठा रहे हैं तो आप हिमसेल्फ और हर सेल्फ पे क्लिक करेंगे और ये भी क्लिक करेंगे कि आप अपना खर्चा कैसे पे कर रहे हैं जैसे प्रीपेड ट्रांसपोर्टेशन प्रीपेड अकोमोडेशन कैश पर अगर आपका खर्चा कोई और उठा रहा है तो आप साथ में बने कॉलम पे टिक करेंगे और उनका डिटेल देंगे कि वो कौन है और वो आपका खर्चा कैसे उठा रहे हैं उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सो दोस्तों इस तरह से आपका वीजा फॉर्म भरा जाता है आपके फॉर्म का भरने के बाद इसको प्रिंट निकालना होगा और प्रिंट निकालने के बाद लास्ट में डेट एंड प्लेस जहां आप ये अप्लाई कर रहे हो वो डेट और साथ में आपको अपने सिग्नेचर करने हैं इस प्रिंट की हार्ड कॉपी इस फॉर्म के प्रिंट की हार्ड कॉपी के साथ आपके डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी लेके आपको एम्बेसी जाना होता है सो so, दोस्तों इस तरह से स्पिंग का टूरिस्ट वीजा फॉर्म भरा जाता है होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी सो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आर चैनल अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर नीचे दिए हुए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं थैंक यू हैव अ गुड